Okay, so hi everyone, this is Siddhant and today again we are going to discuss about what you should trade tomorrow. पहले तो जो वॉच लिस्ट है वो मैं दिखा देता हूँ आपको. आई थिंक तीन स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं कल के लिए, डी सी बी बैंक, जे जील और बैंक ऑफ बड़ौदा. ओके, ये तीन स्टॉक्स हैं, इनमें आप कल कोई ट्रेड ले सकते हो. ओके, तो ये इन तीनों में से कोई आप ट्रेड ले सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कि आप कहाँ ले सकते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. बिफोर मूविंग ऑन, ये जो कुछ मेरे चैनल्स हैं यूट्यूब पे भी मैं हमारे चैनल हैं जिस पे मैं ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ. इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बाओ ट्रेडर्स क्लब नाम से हमारा पेज है. सो वहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव स्टेप्स पढ़ते रहते हैं, आप उसको देख सकते हो. तो प्लीज़ फॉलो मी एंड इट विल हेल्प मी टू ग्रो. ओके, सो मूविंग ऑन, पहला है डी सी बी बैंक. ठीक है, डी सी बी बैंक की अगर हम बात करें तो डी सी बी बैंक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा रोल था. वॉल्यूम का डिस्कशन मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो एक एक्चुअली पेड प्रोग्राम का पार्ट है, बट इसमें डी सी बी बैंक में वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल है. अगर किसी को वॉल्यूम पता है तो वो समझ सकता है. और अगर कल स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया अगेन, उसके अलावा अगर आपको एक और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चार्ट दे सकते हो. तीन चार दिन से आप देखो, आई थिंक 18th से ये ऑल द वे ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है. ठीक है, ऑल द वे ऊपर की तरफ मूव करने के बाद ही इसने एक लेवल भी ब्रेक किया जो ये वाला था. ठीक है, ये वाला लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया ऑलरेडी. तो अगर आप कल की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली इस स्टॉक को तो ऊपर ही जाना चाहिए. ठीक है, अगर ये इस लेवल को 15 मिनट पर ब्रेक करता है जो कि आज इसने बनाया है, एक आप कह लो कि एक फ्लैग तरीके का है, बुलिश फ्लैग भी कह सकते हैं इसको, इस लेवल को अगर इसने ब्रेक किया तो कल एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी आपको. वो भी आई थिंक 1 or 2 points. इस तरीके की स्टॉक में 1-2 रुपये की मूवमेंट बहुत बड़ी है एक्चुअली. अगर आप देखें तो पहले भी मैंने डी सी बैंक की बात की थी, आप उसको वॉच कर सकते हैं एक बार जाके और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट जील, जील की बात करें तो जील अभी आज अगर हम इसको देखें तो जील का एक लेवल पहले था जो हमने डिस्कस किया हुआ, ये वाला. ठीक है, ये लेवल पहले भी हमने पुराने स्टॉक्स में भी, आप कह लो पुराने वीडियोस में भी मैंने ये लेवल बना रखा है. आप अगर इस लेवल को देखोगे तो इसने एक बार सपोर्ट यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ ऊपर गया नीचे आया, फिर एक बार सपोर्ट ऊपर फिर गया, फिर नीचे आया, एक बार सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया है. कंसोलिडेशन मीन्स कि अब स्टॉक रेडी हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए. कंसोलिडेशन मीन्स अब स्टॉक एक रेडी हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए. अगर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो एक आइडिया लग जाता है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक कल नीचे जाने की तैयारी कर रहा है. ठीक है, अगर कल ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है, एनीवेज हमें डायरेक्शन नहीं पता करना है. ठीक है, डायरेक्शन पता करना इज़ लाइक आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो. ठीक है, और वो करना मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ. अभी आपके पास एक जोन है, एक लेवल है, अगर आप इस लेवल को देख के चलो. ठीक है, अगर आप इस लेवल को ही देख के चलो बस, देन आई थिंक इट्स मोर देन एनफ आपको ट्रेड करने के लिए. लेवल ब्रेक होते ही आप एक ट्रेड में एंटर ले सकते हैं. अभी आप अगर लेट से ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो आप ऊपर की तरफ एंट्री ले सकते हैं, और नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आप नीचे की तरफ एंट्री ले सकते हैं. ऊपर की तरफ एक जो आपका ये एरिया है, अगर स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, तो आप एग्जिट कर लेना किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है इस टाइम पे. मोस्ट प्रॉब्ली ब्रेक नहीं होगा, तो मेक श्योर कि इसके ऊपर उसके पहले आप प्रॉफिट बुक कर लो आप. ठीक है, नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, सेम कंडीशन. बैंक ऑफ बड़ौदा आप देख सकते हैं, पहले भी हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर चुके हैं कई वीडियोस में, आप उन वीडियोस को देखोगे तो अभी भी लेवल वो सस्टेन कर रहा है. ठीक है, ये लेवल बैंक ऑफ बड़ौदा भी सस्टेन कर रहा है. स्टॉक ने कल एक ब्रेकआउट दिया था, एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था पहले, फिर नीचे आया वो, अब यहाँ पे एक, देखिए जो पहले मैंने अभी ये चीज़ बताई है. ठीक है, ये जो आप कह लो कि एक रेक्टेंगल पैटर्न कह सकते हैं इसको, ये जो मैंने बताया है वो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो. ठीक है, वो आप यहाँ पे, ये स्टॉक नीचे आया फिर इसने एक पैटर्न रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेक हुआ. ठीक है, ये रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेक हुआ एंड देन स्टॉक गेव अ वेरी गुड मूवमेंट. ओके, उसके बाद ये जो लेवल था हमारा वो ब्रेक हुआ, अब स्टॉक इसके ऊपर, नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, और ऊपर की तरफ का लेवल ये पहले डिसाइड हुआ है. हाँ ठीक है, तो ये पहले डिसाइड कर रखा है. अगर आप पहले वीडियो देखोगे हमारे आपने तो आपको पता होगा कि ये लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है. स्टॉक यहाँ पे आया, नहीं ब्रेक कर पाया, नीचे आया. ठीक है, यहाँ पे कुछ देर सपोर्ट लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन देखने को
मिल रहा है हमें। कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, स्टॉक फिर से ऊपर गया, अब स्टॉक फिर से सपोर्ट के पास है। दैट मीन्स कि सपोर्ट के पास आने के पहले उसके पास ये एक विक भी बहुत बड़ी देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली स्टॉक इज गोइंग टू मेक अ गुड मूव अपसाइड, एक अपसाइड का मूव बनाने वाला है। बट एज आई सेड, प्रेडिक्शन मत करो आप। अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो आप इस जोन में ट्रेड कर सकते हो। इन केस स्टॉक इज ब्रेकिंग दिस लेवल, डेफिनेटली गो फॉर शॉर्ट। ओके, तो ये तीन स्टॉक्स थे जिनको आप कल ट्रेड कर सकते हो। आई होप ये आपको हेल्प करें। और पहले के भी कुछ स्टॉक जो मैंने दिए हैं उनमें कई लोगों ने ट्रेड किया है, उसमें कई लोगों ने मुझे बताया भी है कि उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। लाइक करोगे तो वीडियो काफ़ी लोग तक पहुँचेंगी, और अगर आपको खुद काफ़ी लोगों तक पहुँचाना तो प्लीज़ शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि ऐसे वीडियो लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं क्यों स्टॉक मार्केट की, बट डेफिनेटली यू शुड हेल्प समबडी। तो आप उनको शेयर करो ताकि वो भी लर्न कर सके कुछ। और ये तो फ्रीली अवेलेबल है, उसमें ऐसा कुछ आपको देखना भी नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू इट नाउ। आपको वीडियोज़ मिलेंगे और बेल आइकन दबा देना, वो काफ़ी लोग कहते रहते हैं। मैं इतना अभी यूट्यूब वाला हुआ नहीं हूँ तो मैं बोल नहीं पाता, बट डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और फॉलो करो मेरे को इंस्टाग्राम पे, यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव है हम। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स भी अपडेट करते हैं हम लोग, ठीक है। जो भी हमें हमारे जो क्लाइंट्स को प्रॉफिट हुए थे वो भी हम अपडेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ टेक ए लुक, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।